दर्शको, एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। सरकार ने बदले नियम, अब छोटे प्लॉट पर भी बन सकेंगे बड़ी इमारतें। बड़े स्तर पर अवैध प्लॉटिंग की गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार भूमि उपविधि 2011 में आमूलचूल परिवर्तन के साथ सामने आई है। प्रदेश में आवासीय जमीन की किल्लत को देखते हुए सरकार ने छोटे प्लॉट पर भी प्लॉटिंग और ग्रुप हाउसिंग का रास्ता खोल दिया है। सरकार ने पहली बार ग्रुप हाउसिंग के नियमों को दो हिस्से में बांट दिया है। इसके अलावा बेसमेंट पार्किंग लीक रोड से लेकर तमाम अन्य मामलों में नियमों को शिथिल करते हुए एक सरलीकृत व्यवस्था बनाने का सरकार ने प्रयास किया है। सरकार ने माना है कि हर प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग बड़े स्तर पर हो रही है, उसे रोकने के लिए संशोधन जरूरी है ताकि नियमों की जटिलता भी अवैध प्लॉटिंग का आधार न बने। शहरी विकास और आवास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि राज्य बनने के बाद पहली बार भू उपविधि में इतने बड़े स्तर पर परिवर्तन किए गए हैं। इसके आने वाले समय में अच्छे नतीजे दिखाई देंगे। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।